हमारी फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सिंटेक्स के ऊपर थी, जिसमें हमने कहा सिंगुलर आपका अगर सब्जेक्ट होगा तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल कब बनती है, जब हम उसमें कोई एस या ईएस ना लगाए तब वो प्लूरल रहती है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल कब होता है, जब हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं, वो तब आपके पास जो है वो प्लूरल बनता है। ठीक है, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। तो आज हम उसी के आगे जो है वो सेकंड क्लास उसके देखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़े से और चीजें। ठीक है, तो टॉपिक आपका जो आज भी हमारा क्या रहेगा, सिंटेक्स ही रहेगा। इसी में मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें और बताऊंगी। ठीक है, जैसे आप कई बार क्या सोच लेते हैं कि दो चीजें हैं वो हमेशा प्लूरल को ही शो करती हैं, और आप प्लूरल वर्ब इसके साथ लगा देते हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको दे देती हूँ कि एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश लेबरस। ठीक है, ये दिया मैंने आपके पास क्वेश्चन है। अब आप क्या सोचोगे, एवरी बॉय और एवरी गर्ल, हर एक लड़के और लड़की की बात की जा रही है। कल लास्ट रूल मैंने आप लोगों को यही करवाया था, तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल जो लिखा गया है इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका ईच है और एवरी है इसके साथ आपके पास क्या लगता है, आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी आपकी। ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल जो लिखा है इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं, ईच तो लगा हुआ है लेकिन साथ में दो सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर नाउन दोनों मिल जाएंगे, नहीं, ये जो सिंगुलर नाउन है, अगर ये दो जो सिंगुलर नाउन है वो किससे जुड़े हुए हैं, ज्वाइंड विद अ एंड कंजंक्शन, मीन्स इनके बीच में क्या लगा है, दो नाउन है बीच में क्या है, एंड है, तो इसके साथ आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, ईच और एवरी के साथ दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो तो हमारे पास जो आगे वर्ब का यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये हमने यहाँ पर जाना। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे अब हम बात करते हैं, अगर ईच एवरी ईदर नीदर है इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। हर एक सेंस में सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर हमने ईच एवरी के साथ दो सिंगुलर नाउन की बात की है। नोट डाउन करेंगे फिर आप सभी को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे आपके पास है गाइस, ईच है, एवरी है, ईदर है और नीदर है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, इनके साथ आपके पास क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे आप ऊपर भी देख पा रहे हो, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जुड़ा था लेकिन किससे, एंड लगा था बीच में। हम ऐसा नहीं देखेंगे अब इसमें कि इसमें एंड लगा हुआ है, बस इसके बाद अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है इन चारों के बाद, तो हमारे पास सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ईच बॉय, मैंने लिखा ईच बॉय वॉज हैंडसम। ठीक है, अब देखेंगे, ईच तो हमारा इनमें से यूज हो गया, बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आगे हमारे पास वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। आप बोलोगे गाइस कि सिंटेक्स कहाँ पर आता है, कहाँ पर हम इसे देखते हैं, तो सिंटेक्स जब भी आप एरर डिटेक्ट करते हो ना, तो एरर डिटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये होता है, सिंटेक्स। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करता है कि आप कैसे सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं को, जो ये ईच है, ईदर है और नीदर है,
इसको क्या कहा जाता है? इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखेंगे, जो आपके ईच हो गया, ये जो चार है यहां पर लिख लेती हूं मैं, ईच, इधर, नीदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, ईच हो गया, इसके साथ एवरी भी ऐड कर दिया, इधर और निधर सारे हो गए, तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं हम इसे, जब एवरी यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईच। ईच का मतलब क्या होता है? ईच का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर दो में से अधिक व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं ईच। सेम आपका इधर भी आपका दो इससे ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, ईच, सॉरी एवरी, ये जो है दो में से एक के लिए यूज होगा, या तो ये या तो वो हम बोलते हैं। तो ये भी नीदर भी आपका दो के लिए यूज होता है, कि दो में से कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो सिर्फ दो के लिए हम यूज करते हैं। इधर का भी, नीदर का भी, और ईच का जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आपके ईच का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? अगर अब आप देखते हो ना कि कई बार किसी के साथ द लगा हुआ होता है, किसी के साथ नहीं लगा हुआ होता है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो नहीं लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है कोई ना कोई चीज, तो देखते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल एंड द एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। ठीक है, स्पेलिंग अगर कोई नहीं विजिबल हो रही हो तो बता देना, SECRETARY, यही। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देती हूँ, एस। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, इसमें आपके पास क्या चीज है? अब देख रहे हो, यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर सेक्रेटरी है, दोनों इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया जा रहा है। अब ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये दोनों क्या है, नाउन है ना, दोनों क्या है हमारे पास, सिंगुलर नाउन है, जुड़े किसके साथ है? दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पोजेसिव जो एडजेक्टिव हो आपके पास, तो इसका मतलब है कि हम सेम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का आप यूज कर लो। ठीक है, क्या कहा मैंने, कि अगर दो सिंगुलर नाउन जो है वो किससे जुड़े हुए हो, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हो, बीच में एंड लगा हुआ है हो, लेकिन जो पहले वाला आपका सिंगुलर नाउन है, इससे पहले आपके पास क्या मिल जाए, इसको मैं यहां जैसे लिखूंगी, इससे पहले या तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द मिल जाए, या तो इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? माय हो गया, आर हो गया, हिज हो गया, ये क्या है? पोजेशन को शो करते हैं कि पोजेसिव आपके पास एडजेक्टिव हो गया। माय हो गया, आर हो गया, हिज हो गया, ये क्या हुए? पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे माय के अलावा योर हो गया, तुम्हारा। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव अब पोजेशन को बता रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड के साथ जुड़े हुए हो, और आपका जो पहला सब्जेक्ट है उससे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल द और पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो क्या होगा, आपकी जो वर्ब है वो भी क्या होगी यार, यहाँ पर सिंगुलर होगी। इसका मतलब क्या है, कि हम सेम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास जो है ये इस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, सेम इंसान के बारे में, सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति का बोध होता है हमें इससे। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। ठीक है, लेकिन अगर एक मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देती हूँ, माई अंकल इन गार्डन हैज कम टू सी मी। माई अंकल
एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी, ठीक है, माय अंकल एंड गार्डन हैज कम टू सी मी, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन अंकल है, गार्डन है, ये किससे जुड़े हुए हैं, दोनों आपके सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, और बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन आपके पास क्या लगा हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यानी कि ये सेम फैमिली मेंबर के बारे में बात हो रही है, माय अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी, बात समझ आ गई। सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के बारे में, सेम फैमिली मेंबर नहीं, हम सेम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, माय अंकल एंड गार्डियन, वो दोनों हैं, ठीक है, बात समझ आई। ये हमारे पास क्या है, जब हम एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं तब हमारे पास जो है ये केस बनता है कि यहाँ पर आप, यहाँ पर हम कहीं पर भी द या पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा रहे हैं। जब यहाँ पर द और पोजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम डिफरेंट इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सेम फैमिली मेंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेम चीज ऐसे ही होगी आपके पास कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये यूज करेंगे, और वर्ब हमारी देन क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। एंड से अब देखो एक एग्जाम्पल लिखवाती हूँ, सेम यही वाला है, ठीक है, जो आपको पहले लिखवाया था, या इसी को कर दो, हैव कम टू सी मी, ठीक है, माय अंकल एंड गार्डियन हैव कम टू सी मी, इसको आप एग्जाम्पल को चेंज कर दो, मैं ही लिख लेती हूँ यहाँ पे। एक तो ये हुआ आपके पास एग्जाम्पल, सेकेंड है माय अंकल एंड माय गार्डियन, अब यहाँ पर हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव कम टू सीन आ रहे हैं, प्लूरल को बता रहे हैं ये। तो जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन थे यहाँ पर, किससे जुड़ रहे थे, एंड से जुड़ रहे थे, अब पहले और दूसरे दोनों में हमने क्या कर दिया, दोनों में या तो हम द का यूज कर रहे हैं या तो पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल ही बन जाएगी, बात समझ आ रही है। आपकी वर्ब जो है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब बन जाएगी। यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं आया, बोलो फटाफट से, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ओके। थोड़ा सा समझने की बात है ये कि कई बार डबल चीजें होती है तो ऐसा क्यों होता है, वही बात है और कुछ नहीं। अब आपने देखा होगा ब्रेड एंड बटर वर माय फेवरेट, आर माय फेवरेट, इज माय फेवरेट, क्या होता है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, वाज माय फेवरेट, या वर माय फेवरेट, या आर माय फेवरेट, क्या होता है, ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है। तो जब भी हम क्या करते हैं गाइस, पेयर की बात करते हैं, पेयर में कोई चीज यूज हो रही हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ये किस्म का क्या है, पेयर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले जो है कुछ पेयर वर्ड्स लिखेंगे, सम पेयर वर्ड्स, ठीक है, सम पेयर वर्ड्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा ब्रेड एंड बटर, तो ये क्या है हमारे पास, पेयर्ड वर्ड है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर क्या है, पेयर्ड वर्ड है। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, नोट करेंगे सभी, इंपॉर्टेंट है, राइस और जो बटर, सॉरी करी था यहाँ पे, मैंने सेम लिख लिया यहाँ पे, राइस एंड करी, ये पेयर है, मतलब इसके साथ ये चीजें चलती हैं, ठीक है, यूज मैक्सिमम होता है, हैमर एंड सिकल, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट है आपके पास स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी हो गया। उसके अलावा आपके पास है कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग,
ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हो रहे हैं गाइस, हमेशा पेयर में यूज हो रहे हैं ये, जैसे हमने ब्रेड एंड बटर इनमें से जो है वो पहले देख लिया। ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस आप बोलते हो ना, एग्स एंड बैकग्राउंड, एग्स एंड बैकन, इसका मतलब होता है सुअर का मांस, जो बैकन है। ठीक है, इसका बी ए सी ओ एन करना, बैकन, बी ए सी ओ एन, बैकन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टांस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टांस हमेशा कैसे यूज होंगे, पेयर में यूज होंगे। ठीक है, ये दो के पेयर को बता रहे हैं, लेकिन हम यूज कैसे करेंगे, एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, तो ये भी आपका कैसे है, सिंगुलर ही यूज होगा। तो अब इन सभी के साथ आपकी जो वर्ब होगी, मैं सभी की बात कर रही हूँ, जो भी आपके पास आगे वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जब भी ये साथ में आपके पास यूज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया भी था आपको, लेकिन मैं लिख देती हूँ। जैसे मैंने कहा था ब्रेड एंड बटर, अब जब हमारे पास दो पेयर यूज हो रहे हैं तो आगे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, इज माई फेवरेट। ठीक है, इज माई फेवरेट, यहाँ पर मैं वॉज का यूज भी कर सकती हूँ, लेकिन आर और वर का यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वर्ब क्या आने चाहिए हमारे पास, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको, वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाली यूज हो, एग्जाम्पल समझ में आ गया, जैसे राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, सभी जो है ना वो पसंद करते हैं ना राइस एंड करी। ठीक है, तो ये पेयर है, ये एक पॉपुलर डिश है कि राइस और करी जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक सबने समझ लिया अच्छे से, ये वाली चीज अच्छे से समझ आ गई सबको कि नहीं, बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगर ये भी हो गया अच्छे से तो ये भी क्लीन कर देते हैं। अब देखो, कुछ आपके पास ना पर्संस होते हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं ना, तो अगर आपके पास कभी भी तीन पर्सन है, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम क्या चीजें देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का आपको पता है, प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, आई और वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से आता है, यू आता है, और यू से रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं, लेकिन यही है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पर्सन, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में आपके पास होता है ही, शी, इट और दे, ये क्या हो गए, थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। अब आपके पास जो पर्सन अरेंजमेंट है, कि अगर आपके पास पर्सन कहीं पर आ रहे हैं, मान लो आई यू ही तीनों एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, लेकिन सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं थ्री पर्सन अरेंज्ड इन अ वन सेंटेंस, और इन अ गुड सेंस, जब बात हो रही है गुड सेंस में वो यूज हो रहे हैं, तो एक फॉर्मेट आप लोगों को यूज करना है, वो कौन सा है, वो फॉर्मेट है 2 3 1। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है, 2 3 1, ये है गुड सेंस के लिए। सेम वही बात है, लेकिन बात हो रही है बैड सेंस के लिए, तो बैड सेंस में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, गुड सेंस के लिए आप यूज करोगे 2 3 1, और बैड सेंस के लिए आप यूज करोगे 1 2 और 3। ठीक है,
बैड सेंस का मतलब क्या है कि आपसे कोई भूल हो गई है, दोष हो गया है, दोष है कोई आपका, आपने कोई पाप कर लिया है, सिन कर लिया है जिसको आप बोलते हैं, आप किसी चीज का कन्फेशन कर रहे हैं, यानी कि आपको दुख है उस चीज का, ठीक है, तो दुख भी उसी चीज का होगा, कन्फेस भी आप उसी चीज को करोगे जो आपने बुरी की होगी, खराब की होगी, ठीक है, तो ये आपके पास गुड सेंस में यूज होगा और ये आपके पास बैड सेंस में यूज होगा। इसका बोले इसमें क्या मतलब हुआ, जैसे यू एंड यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, ठीक है, तीन चीजें हैं आपके पास। अब इसमें भी आपको क्या याद होना चाहिए कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन किससे जुड़े होंगे, यहाँ पर दोनों में गुड सेंस में जुड़े हुए हों, ठीक है, एंड से जुड़कर वो गुड सेंस में प्रोनाउन हो, तो उसमें आप वर्ब भी कौन सी फॉलो करोगे, प्लूरल वर्ब को फॉलो करोगे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हर जगह पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी गुड सेंस में, दोनों में ये डिफरेंस होगा, गुड सेंस में वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जब तीन पर्सन की बात हो रही है तब भी, जब दो पर्सन की बात होगी गुड सेंस में तब भी आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, लेकिन जब हम बैड सेंस की बात कर रहे हो तब आपके पास कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जब क्या होगा, गुड सेंस में बात हो रही हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब बैड सेंस में बात हो रही हो तो क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ अच्छे से, सिंगुलर वर्ब का यूज हम कहां पर करेंगे कहां पर नहीं करेंगे। ओके, ये हमारे पास बात हो रही है सिर्फ किस चीज के लिए, जो ये बैड सेंस में तीन की बात हो रही है। चलो एग्जाम्पल लिखवाती हूं मैं आप लोगों को, जैसे यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू आई एंड ही आर, ही इज लिखते हैं हम यहाँ पर, ही इज गुड फ्रेंड्स। अब देखो इसको आपको करेक्ट करना है, सबसे पहले अब देखो क्या बोला गया है, यू आई एंड ही आर इज गुड फ्रेंड्स, कि हम जो है वो तुम मैं और वह अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है गुड सेंस में, सिंपल अच्छी से अच्छी बात बताई जा रही है, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई पाप दोष कोई भूल कुछ नहीं है यहाँ पे, अपराध कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका फॉर्मेट होना चाहिए 2-3-1। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन तो था ही, फिर हमारा थर्ड पर्सन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद आपका लगेगा एंड, फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा आई। साथ में हमने क्या कहा कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इज तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है कि कैसे आपने यहाँ पर जो है वो 2-3-1 को अरेंज करना है, साथ में आपकी वर्ब भी ऐसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, अच्छे से समझ लेना है इस बात को, ठीक है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछता चलेगा, मैं बताऊंगी साथ साथ में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर आपके पास तीनों तीन की बात हो रही हो और वो कौन सा होगा, बैड सेंस में बात हो रही हो, इसके जो दो हैं वो हम कल करेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को आज बता दूंगी। बैड सेंस में अगर बात हो रही है तीनों की तो क्या होगा आपके पास, तीनों के लिए अगर अपराध की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, बैड सेंस में बताया था कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है गाइस, यहाँ पर भी आप क्योंकि पर्सन तीनों ही है ना, तो आप तीन का यूज करोगे, आप दो का यूज नहीं करोगे, ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, तीन का ही यूज करेंगे, दो का यूज नहीं करेंगे, हर जगह पर प्लूरल ही होगा क्योंकि तीनों तीनों की बात हो रही है, दो की बात कहीं पर भी नहीं हो रही है, प्लूरल वर्ब होगा हर जगह पर, बस ये वाली चीज जो है वो अलग होगी, बाकी सिमिलर होगा, ठीक है, लिख देते हैं, आई ही एंड यू आर गिल्टी, आई ही एंड यू आर गिल्टी। अब देखो ये जो वर्ड है ना गिल्टी वर्ड, यही आप लोगों को बता रहा है कि कोई अपराध हुआ है, कोई किसी चीज का क्या है, गिल्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास 1-2-3 वाला फॉर्मेट है, तो आई तो 1 है, यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन होना चाहिए था ही,
फिर आगे क्या हो जाएगा, आर गिल्टी, ठीक है, आई यू एंड ही आर गिल्टी जो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन जो है वो अरेंज होंगे, साथ में आपके पास जो है वो प्लूरल वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं हो। बोलो फटाफट से, यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, फटाफट से यस और नो करना है, ताकि हम जो है फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड कर सके। ओके चलिए, ओके गाइस, अच्छी बात है। चलिए तो यही था हमारा आज का सिंटेक्स की क्लास, और कल हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे और आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू, और 2 मिनट